नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं, जिसमें कि वाराणसी प्रमुख है। इसी क्रम में आज हम आपको वाराणसी के मार्कंडे महादेव परिक्षेत्र व गंगा गोमती संगम पर हो रहे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य की नवीनतम जानकारी देने वाले हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वादश ज्योतिर्लिंग के समकक्ष वाराणसी का ही श्री मार्कंडे महादेव धाम पूरे पूर्वांचल के प्रमुख देवालयों में से एक है। इस धाम की चर्चा श्री मार्कंडे पुराण में भी की गई है। आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक व ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह स्थान वाराणसी गाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के 28वें किलोमीटर पर गंगा व गोमती नदी के संगम पर कैथी गांव में स्थित है। और अब महादेव के धाम को वाराणसी गाजीपुर हाईवे से जुड़ने के लिए कैथी गांव से गुजरे मार्ग को विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत अब हाईवे से सीधे मंदिर जाने के लिए 9 मीटर चौड़ी और 900 मीटर लंबी दो लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसके लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी एवं इसके लिए 4.68 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है तथा अधिग्रहित की हुई भूमि पर आरसीसी रोड का एस्टीमेट भी बना लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने इस पूरे प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा कर एस्टीमेट शासन को भेज दिया है। इसके अतिरिक्त मार्कंडे महादेव मंदिर से संगम तट तक जाने के लिए 7 मीटर चौड़ी और 700 मीटर लंबी सड़क का निर्माण भी होगा, जो कंक्रीट से ही बनाई जाएगी। लोक निर्माण विभाग सड़क बनाने के लिए सर्वे कर चुका है और मार्ग पर 3 से 4 भवन सीमा में आ रहे हैं, जिनकी स्वामित्व की जांच चल रही है। यही नहीं, मुख्य मंदिर के गर्भगृह का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। इसके आसपास के जर्जर भवनों का मरम्मत करने के साथ प्रवेश और निकासी के लिए बैरिकेडिंग लगाई जाएंगी। वहीं इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कराया जाएगा तथा इस प्रोजेक्ट का दायित्व भी लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है एवं इसका एस्टीमेट बनाने का कार्य एक निजी कंसल्टेंट को दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि यहां गंगा नदी में शीघ्र ही रोरो व जलयान भी वाराणसी के शूल टांकेश्वर से लेकर मार्कंडे महादेव धाम तक चलेगा तथा यहाँ जल परिवहन को ध्यान में रखते हुए जेटी भी लगाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ गंगा गोमती के संगम तट पर पहले चरण में 120 मीटर अर्धचंद्राकार में नवीन घाट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, जो कि पर्यटन विभाग द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि से बनवाया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर इसे गर्मियों में रहने वाले गंगा नदी के जल स्तर के नीचे तक पक्का कराया जा रहा है तथा यहाँ गुलाबी पत्थरों से इस पर मणियां व गजीबो भी लगाए जा रहे हैं, जिसे कि राजस्थान से मंगाए गए हैं। यहां के सांसद व केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे के अनुसार शीघ्र ही मार्कंडे महादेव धाम व गंगा गोमती संगम तट राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे में सम्मिलित हो जाएगा। बता दें कि इस तीर्थ क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर पार्किंग स्थल भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ जमीन चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है एवं दोनों घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम, प्रतीक्षालय, हर घाट पर 2-2 16 मीटर ऊंची हाई मॉस्ट लाइटें, गंगा में चलने वाली एक रंग की नावें, दोनों घाटों के मध्य पाथवे का निर्माण, धर्मशाला, मंदिर सौंदर्यीकरण आदि भी योजना के विस्तारीकरण में होगा। महत्वपूर्ण है कि मार्कंडे महादेव के संपूर्ण क्षेत्र को पर्यटन, धार्मिक पर्यटन तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र विश्व मानचित्र पर दार्शनिक स्थल के रूप में दिखाई देगा तथा भविष्य की परिकल्पना में हरिद्वार की जैसे स्वरूप देने का यह एक प्रयास है। हम आशा करते हैं कि गंगा गोमती संगम स्थल पर होता यह नवीन घाट का निर्माण तथा मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार काशी के प्राचीन व प्रसिद्ध घाटों एवं मंदिरों के जैसे ही आम जनमानस में सुप्रसिद्ध होगा, जो कि मार्कंडे महादेव मंदिर में आने वाले भक्तों के हृदय में विशेष स्थान बनाएगा एवं यहां आने वाले दर्शनार्थियों से इस क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखें तथा अगली वीडियो के विषय पर अपनी राय भी दें।
हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।